दोस्तों यदि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आप फेसबुक एप्लीकेशन को जरूर से यूज करते रहोगे। अक्सर क्या होता है, जब भी हम अपने फेसबुक अकाउंट को बनाते हैं उस टाइम पे जो हम पासवर्ड बनाते हैं वो क्या होता है, हम बाद में भूल जाते हैं, अक्सर हमें याद नहीं रहता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इजिली पता कर सकते हो कि आपके जो फेसबुक का पासवर्ड क्या है, और आप यदि पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो, और आपका जो भी पहले का पासवर्ड है आप उसे पता भी कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमें अपने फेसबुक का पासवर्ड पता करना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को बनाए रहोगे उस टाइम पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने बोलता है, जो पासवर्ड हमें याद रखना पड़ता है, और अक्सर हम वही पासवर्ड को भूल जाते हैं। यदि आप कहीं पे लिख के रखते हो तो ठीक, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ऐसे में हमें याद नहीं आता है कि हमने क्या पासवर्ड डाला हुआ था, तो वो आप इजीली पता कर सकते हो। जैसे ही आप फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखोगे मेनू का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। अब सेटिंग वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ से आपको भी पता है कि आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको पासवर्ड को क्या करना पड़ता है, अगर यदि आप चाहते हो यहाँ से पासवर्ड को चेंज करना तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को एक ऑप्शन एंड चेंजेस देखने को मिलेगा, जो पहले यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता था। यहाँ पर आप देखोगे अकाउंट सेंटर करके, तो ये पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे काफी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेफ लॉगिन, और यहाँ पर मिलता है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। तो यदि आप चाहते हो अपने पासवर्ड को चेंज करना तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके जितने भी अकाउंट्स रहेंगे आपके फ़ोन के अंदर जिसका आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो आपको सिंपली उस वाले अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो नॉर्मल से यहाँ पे हमें तीन सेट दिखा रहा, तो हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेट करोगे तो उसके बाद क्या होएगा, आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है कि करेंट पासवर्ड, यानी कि जो आपका पहले का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप सब लोगों को यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, रीटाइप न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आपको जो पहले आपका करेंट पासवर्ड जो आप भूल चुके हो, जो आपको नहीं याद है, यदि आपका पासवर्ड आपको याद है तो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। यदि आपका पासवर्ड ही आपको नहीं याद है तो आप कैसे चेंज कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कैसे पता करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपली बैक कर लेना है। अब आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने फ़ोन के यहाँ पर ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप फ़ोन के ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हो, ईमेल आईडी को ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलता है मैनेज गूगल अकाउंट का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है पासवर्ड का, तो पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड डाल के आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप पासवर्ड डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पर आपके सामने शो हो जाता है कि आपका कितना पासवर्ड यहाँ पर है। एंड ये तो पहला ट्रिक है, यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद। उसके बाद सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, अब यहाँ से बैक करना है और अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पासवर्ड मैनेजर, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे जितना आपने पासवर्ड सेव कर रखा है ना, वो सारे पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम हो गया और जितने भी वेबसाइट हो गए हैं, यहाँ पे अमेजन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वीस हो गया, ट्विटर हो गया, यानी कि जितने भी आपने पासवर्ड सेव कर रखे हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फेसबुक का आप देख सकते हो, यहाँ पर चार अकाउंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस वाले ऑप्शन बाद यहाँ पर आपके सामने जितने भी अकाउंट्स रहेंगे ना, यूजर नेम का वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड भी नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फेसबुक देख सकते हो, नीचे यहाँ पर पासवर्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल चार अकाउंट दिखा रहा है, तो चारों अकाउंट का यहां पर नंबर भी दिखा रहा है, यूजर आईडी भी दिखा रहा है और पासवर्ड भी दिखा रहा है। तो सिंपली आई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है वो हमें सामने नजर दिख के आ जाएगा। तो यहां पे अभी पासवर्ड जो है, पासवर्ड दिख के इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहां पर सेव मतलब यहां पर इस वाले आई जुक का बटन जो दिख रहा है इस पर हमने क्लिक नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड पता कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो पहला आप ईमेल आईडी से पता कर सकते हैं, अगर ईमेल आईडी से आपको नहीं पता चल पा रहा तो आप क्रोम ब्राउजर के जरिए भी पता कर सकते हैं और अपने फेसबुक का पासवर्ड आसान तरीके से पता करके अगर चेंज करना चाहते तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।